लोकसभा चुनाव से पहले सियासी शब्दबाण के बीच नेताओं के जुबान फिसलने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी फहरिस्त में अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के नेता माजिद मेमन का भी नाम जुड़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई बीजेपी नेताओं की तरफ से कई बार विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा गया कि प्रधानमंत्री की लाइन में कई लोग खड़े हैं। इस पर भड़के मेमन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। माजिद मेमन ने कहा कि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी भी एक अनपढ़ जाहिल और रास्ते पर चलने वाले आम आदमी की तरह बात करते हैं। वो इतने बड़े पद पर बैठे हैं, उनका पद एक संवैधानिक पद है। उस संवैधानिक पद पर बैठने वाले को रास्ते से नहीं चुना जाता। न तो 2014 में ऐसा हुआ, न 2019 में ऐसा होगा। उन्हें पता होना चाहिए कि हर एक क्षेत्र में एक सांसद चुना जाएगा और जब ये 543 सांसद चुनकर आएंगे तब वो तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन होगा। ये हमारे राजनीतिक लोकतंत्र का आधार है। क्या ये प्रधानमंत्री को नहीं पता? माजिद मेमन ने आगे कहा कि लोकतंत्र में जनता के बहुमत से प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, कोई सीधा प्रधानमंत्री नहीं बनता। इसलिए प्रधानमंत्री के मुंह से ये गैर जिम्मेदाराना बयान सही नहीं लगता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पीएम की लाइन में कई लोग खड़े हैं। इस पर आगे अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एनसीपी नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री की लाइन में खड़े हैं, इस बात का क्या मतलब है? ये जाहिलों जैसी बात है कि प्रधानमंत्री की लाइन में खड़े हैं, पीएम की लाइन में तो आप भी हैं। एसपी 9 न्यूज के लिए शशि प्रिया की रिपोर्ट।